हेलो टू माय वंडरफुल पीपल, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर में ही और घर की ही चीज़ों से हमें कैसे क्रिस्टल क्लियर और एक हेल्दी स्किन मिल सकती है। इस वीडियो में मैं आज दो स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। वो दो स्टेप आपको एटलीस्ट 7 डेज तक फॉलो करना है, इसलिए इस वीडियो का नाम भी 7 डेज चैलेंज रखा है। 7 डेज फॉलो करने से होगा क्या? देखिए, जब आप 7 डेज फॉलो करोगे तो आपकी जो स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होगी और आपको ग्लो भी मिलेगा। जैसे कि अगर आपके फेस पर एक्ने की प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हो रखे हैं, तो 7 डेज जब आप इसे कंटिन्यू फॉलो करोगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके जो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, वो कम हो रहे हैं। अगर पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन चेहरे पर दाग हैं तो वो दाग कम होने लगेंगे। और अगर चेहरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ग्लो नहीं है तो 7 डेज जब आप ये फॉलो करोगे तो आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। तो मतलब ये है कि जब आप इसे 7 डेज़ फॉलो करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो 7 डेज़ में वो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। तो इसे आपको 7 डेज़ एटलीस्ट फॉलो करना है बेटर रिज़ल्ट के लिए। उसके बाद आप इसे अपने आप कंटिन्यू करोगे। अगर आपको फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको कुछ टाइम तक इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। इससे आपकी जो भी स्किन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपको हेल्दी और क्लीन स्किन मिलेगी। आप मेरे पे विश्वास मत करो। आप बोलोगे कि ऐसा तो बहुत सारी रेमेडीज़ है जो ये बोलते हैं कि ये अप्लाई कर लो और फेस क्लियर हो जाएगा। आप मेरे पे ट्रस्ट मत करो, आप खुद अप्लाई करो और फिर रिज़ल्ट देखो। चलिए देखते हैं कि हमारी रेमेडी क्या है। वैसे तो दो स्टेप हैं, बट आपको रेमेडी सिर्फ एक ही बनानी है, और आपको डेली रेमेडी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ एक बार बनाना है और आप उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो दो स्टेप क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो सबसे फर्स्ट हम रेमेडी रेडी कर लेते हैं। हम फेस मास्क रेडी कर लेते हैं जो हमें 7 डेज़ कंटिन्यू अप्लाई भी करना है और उसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो रेमेडी के लिए सबसे फर्स्ट हमें 1 स्पून चिया सीड्स लेना है, उसको सोक करके रखना है। इसे हमें 10 to 15 मिनट सोक करके रखना है, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट इसे भिगो के रखना है, और उसके बाद आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये किस तरह दिख रहा है। जब इस तरह दिखने लगे तब हमें इसे ग्राइंड करना है, मतलब पीसना है हमें। ज़्यादा देर ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से 15 सेकंड जब इसे ग्राइंड करोगे तो ये कुछ इस तरह से जेल के फॉर्म में दिखने लगेगा, और हमें इसी तरह का जेल चाहिए है जो हमें हमारे फेस पर अप्लाई करना है। जब ये जेल की तरह दिखने लगेगा, आप एक बॉक्स में निकाल लीजिए जिसमें आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस चिया सीड को जो आपने ग्राइंड किया है, इसे आप मिनिमम 10 to 15 डेज़ रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। इस फेस मास्क में हम और भी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, लेकिन आपको स्टोर सिर्फ सिंपल जो चिया सीड ग्राइंड किया है उसे ही स्टोर करना है। जो दूसरी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे उसे ऐड करके स्टोर मत करना। तो थोड़ा सा चिया सीड्स जो हमने ग्राइंड किया था उसे हम अलग से निकाल लेंगे, और उसमें अब 3 से 4 ड्रॉप लेमन के डालेंगे। अगर आप लेमन ड्रॉप में कम्फर्टेबल नहीं हैं तो आप टोमेटो जूस ले सकते हैं। मैंने 3 से 4 ड्रॉप लेमन के डाले हैं। अब इसमें 1 स्पून आमंड ऑयल डालूंगी, और अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देना, बिकॉज ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा दूसरा है, सबसे फर्स्ट हमने रेमेडी रेडी कर ली है। अब देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। सबसे फर्स्ट, आप जब भी कोई भी फेस मास्क अप्लाई करो या कुछ भी चेहरे पर लगाओ, हमेशा क्लीन फेस पर ही लगाओ, डर्ट वाले फेस पर नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आपका यही है कि आपको फ़ेस क्लीन करना है, तो आप फेस वॉश से या क्लिनज़र से किसी से भी अपना फ़ेस क्लीन कर लो। और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप था वो अभी है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको अपने पूरे फेस पर आइस क्यूब अप्लाई करना है। आप डायरेक्टली आइस क्यूब अप्लाई कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि डायरेक्टली फेस पर आइस क्यूब नहीं अप्लाई करना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 10 से 12 आइस क्यूब नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 आइस क्यूब अप्लाई करना है, जितने में आप कंफर्टेबल हो। अगर आप ज़्यादा में कंफर्टेबल नहीं तो आप सिर्फ 1 आइस क्यूब अप्लाई करो। आइस क्यूब अप्लाई करना है, इससे होगा क्या? आइस क्यूब हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको पफिनेस की प्रॉब्लम है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, तो अगर आप आइस क्यूब अप्लाई करोगे तो ये पूरी सूजन को कम कर देता है, स्किन पे ग्लो देता है, स्किन को टाइट करता है, सनबर्न को रिमूव करता है,
जो डार्क सर्कल्स उसे ठीक करता है, स्किन टाइट करता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आइस क्यूब के। अगर आपको एक्ने हैं तो आपको डेली आइस क्यूब अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप फ्रेश एलोवेरा लेकर उससे अच्छे से ग्राइंड करके उसकी आइस क्यूब बना सकते हो, या फिर फ्रेश नीम की लीव्स लेकर उसे पीस कर उसके जूस की आइस क्यूब रेडी कर सकते हो और फेस पे डेली अप्लाई करें। वो बहुत अच्छा होता है, उससे एक्ने बहुत जल्दी ठीक होते हैं। तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप वैसे आइस क्यूब, अगर आपके पास टाइम है तो एलोवेरा वाली या नीम के जूस वाली आइस क्यूब बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपल प्लेन वाटर वाली आइस क्यूब भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, इससे भी हमारी स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ठीक हो जाती हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही है, हमें एक आइस क्यूब पूरे फेस पर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद 5 मिनट्स ऐसे ही रहने दें, स्किन को थोड़ा सा रेस्ट लेने दो। 5 मिनट्स बाद जो हमने चिया सीड मास्क रेडी किया था, जिसमें हमने लेमन ड्रॉप्स और आमंड ऑयल मिक्स किया था, उसे मिक्स करने के बाद पूरे फेस पर अप्लाई करना है और अप्लाई करके इसे 10 to 15 मिनट्स रहने दो। 10 to 15 मिनट्स रहने देना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लेना है। ये 2 स्टेप्स थे जिन्हें आपको डेली 7 डेज तक फॉलो करना है। ऑब्वियस सी बात है कि एक बार अप्लाई करने से या एक रात में हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकती है, हमें एक रात में पूरी स्किन हमारी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, क्लीन और हेल्दी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैंने इसे 7 डेज करने कहा है, बिकॉज आप जब कुछ अपने चेहरे पर लगाते हो, कुछ स्किन पर अप्लाई करते हो, तो स्किन को एक्सेप्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, स्किन को उस रिज़ल्ट को शो करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। इसलिए मिनिमम 7 डेज अप्लाई करने को कहा है कि ताकि स्किन भी एक्सेप्ट करे और आपको रिज़ल्ट मिले। जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे आपको चेहरे पे चेंज नज़र आएगा, बट उस चेंज को परमानेंटली रखने के लिए, हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसलिए मैंने 7 डेज बोला है। तो आप 7 डेज ये दोनों स्टेप्स को फॉलो करो। आप चाहो तो मॉर्निंग में भी कर सकते हो या रात में भी कर सकते हो, आप जिस जब कंफर्टेबल हो, जिस टाइम पे भी आप तब ये फॉलो कर सकते हो। चिया सीड्स काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन के लिए, इसमें विटामिन B3 और जिंक काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर किसी की स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो उसे चिया सीड्स ज़रूर फेस पर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज ये स्किन के ऑयल को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है। ये एंटी एजिंग का काम भी करता है, मतलब हमारे स्किन के एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को ठीक करता है, एक्ने का इशू है तो एक्ने को ठीक करता है, नेचुरल ग्लो देता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। मतलब चिया सीड्स हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है और अगर कुछ प्रॉब्लम है स्किन की तो उसे ठीक करता है। तो ये ऑलमोस्ट स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो अगर आप चिया सीड्स को डेली अप्लाई करोगे और ये इतने ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो हमारी स्किन क्यों हेल्दी नहीं होगी, क्यों क्लीन नहीं होगी जब इसे हम डेली अप्लाई करेंगे। तो आप इसे डेली अप्लाई करें। आप ग्राइंड वाले चिया सीड्स को मिनिमम 10 to 15 डेज ग्राइंड करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जैसे लेमन ड्रॉप्स हैं और आमंड ऑयल हैं, तो जब वो आप अप्लाई करने वाले रहोगे तभी ऐड ऑन करना, उसे पहले से ऐड करके रेफ्रिजरेटर में मत रखना। ये 2 स्टेप्स तो थे जो आपको फॉलो करने हैं, बट साथ ही में अगर हमें एक हेल्दी और क्लीन स्किन चाहिए है तो हमें सिर्फ कोई रेमेडी या ये चीज़ों से ही नहीं मिलेगी। अगर हम पानी कम पीते हैं उस वजह से भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि डेली हम एटलीस्ट 3 लीटर वाटर ज़रूर पिए, प्लेंटी ऑफ वाटर ज़रूर पिए और स्ट्रेस कम लें, बिकॉज स्ट्रेस लेने से भी स्किन के इश्यूज़ होते हैं। जंक फूड से, ऑयली फूड से थोड़ा सा दूर रहें, हेल्दी डाइट रखें। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है रेमेडी फॉलो करने के साथ साथ। तो इन बातों पे भी आप ध्यान रखना और ट्राई करो ये रेमेडी। 7 डेज आपको कंटिन्यू ये 2 स्टेप करना है, फर्स्ट आइस क्यूब वाला, सेकेंड चिया सीड मास्क वाला। तो पॉजिटिव माइंडसेट से, खुश होके अच्छे से इसे फॉलो करो 7 डेज, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।